ठीक है चलो अच्छा आगे हो जाओ सबसे पहले शिव भाई आपसे जानना चाहूंगा जिस तरीके से मराठी में आपने नाम कमाया फिर हिंदी में आकर भी नाम कमाया बिग बॉस में भी आपके नाम का डंका बज रहा है क्या बताना चाहेंगे बहुत ही मतलब मेरे लिए सवाल पूछा आपने बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे अंदर से नहीं यार मैं सच्ची में ये बहुत लोगों ने किया है मैं भी कर रहा हूँ और जस्ट मेरे विशलिस्ट थे और एक वन बाय वन चल रही है अभी खतरों के खिलाड़ी चल रहे हैं और ये बहुत सालों से मैं कर रहा था कि होपफुली मैं ये वाला वे चूज़ करके अपने बड़े पर्दे तक पहुँचूँ अभी रियलिटी शो तो ऑलमोस्ट हो चुके कुछ बचे हुए जो मैं बाद में बताऊँगा बट अभी और मेहनत करनी है मुझे और जैसे होता है ना कि अमरावती से मुंबई आना ही एक बड़ा ये होता है स्टंट होता है हमारे लिए तो अभी मैं ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत जर्नी कर चुका हूँ और मेहनत करनी और आप लोगों का प्यार है तो और आगे एक बड़े सपने अपने करेंगे जैसे अभी आपने कहा कि अमरावती से मुंबई आप रिसेंटली अमरावती गए थे जी कैसा रहा वहाँ का माहौल जाकर कैसा लगा वो शिव को कहीं मिस किया आपने उस भीड़ में यार मैं जानबूझ के कहीं पे एक इवेंट था तो वहाँ पे बुक किए थे कि होटल में रूम्स तो मैं वहाँ पे मेरे पंटर लोगों को बुलाता हूँ और रात को फिर 12-12 एक एक बजे तक हमारी पुरानी बातें रिपीट होती है और कुछ दोस्त थोड़ा महफिल में बैठने के बाद आराम से होता है ना वो रिपीट भाई अपना भाऊ वगैरह तो मैं वो जानबूझ के ना अपने दोस्तों को अभी तक मैं मिलते रहता हूँ बीच में जब भी जाता हूँ तो दो दो तीन तीन घंटे हम पार्टी करते हैं तो वो वाला जोन तो वो शो कभी तो मतलब कहीं जाना नहीं चाहिए वो चला गया तो मुझे नहीं लगता लोगों को मैं पसंद आऊँगा फिर तो वो मेरे आई और मेरे दोस्त मुझे वैसे ही रखते जमीन पे बहुत ही अच्छा लग रहा है एक्सपेक्ट नहीं किया था इनफैक्ट खतरो करने का मकसद ही ये था कि वाइडर ऑडियंस के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं एक नया एक्सपीरियंस है जो टीवी कैसे ऑपरेट करता है वहाँ के डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था आज वहाँ से वो सीख कर निकली हूँ तो आगे जाके अगर कुछ करूँगी टीवी से रिलेटेड तो मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है पहले से लर्निंग लेसन था रोहित सर को बहुत टाइम के बाद मिली अच्छा लगा इसको मिली संध्या को मिली तो बहुत सारे दोस्त बनाकर आई हूँ वहाँ से बहुत सारी मेमोरीज लेकर आई हूँ लेकिन सिस्टम के बारे में क्या कहें सिस्टम जीत चुका है बिग बॉस सिस्टम यार मुझे लगता है कि ये शो रियलिटी शो बिग बॉस जैसा शो ऐसा है कि जिसमें लोग ही डिसाइड करते तो लोगों ने प्यार वो डिजर्व करता शायद बट इसमें भी दो टाइप के लोग हैं एक कहते हैं कि एक का गेम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एक का फैन फॉलोइंग बट जो रूल है वो रूल है इसको वोटिंग सबसे ज़्यादा और मुझे लगता है एल्विश का जो फैन फॉलोइंग है वो नेक्स्ट दोनों का नेक्स्ट लेवल है तो उसका मतलब उसको दिल्ली हरियाणा साइड और इंडिया में जानते थे अभी तो मुझे लगता है बच्चा बच्चा जानने लगा तो मैम आपसे जानना चाहूँगा आपने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न किया स्टार्टिंग में आपके ऊपर काफ़ी लोगों ने बोला कि इनकी किस्मत अच्छी है तो आगे देखो होता क्या आगे आगे आपने जुए वाला स्टंट भी बहुत बेहतरीन किया है जहाँ पर कुछ अगर आप बता सके स्टंट करना कितना मुश्किल रहता है मुश्किल पानी वाला भी आई थिंक वो स्टार्टिंग के अंदर वो एक बटरफ्लाई वाली फीलिंग होती है स्टंट में जाने के पहले पर एक आवाज आती है जो रोहित सर है उनकी अरे हो जाएगा तो आई थिंक वो एक मोटिवेशन जो है वो बहुत वर्क करता है स्टंट ज़्यादा लंबा नहीं होता हार्डली 10-15-20 मैक्सिमम 25 मिनट्स तक का होता है उससे ज़्यादा नहीं तो वो 25 मिनट तक जितने भी डर है फियर्स है वो साइड में रख के और फिर रोहित सर की शक्ल देख के हो ही जाता था सर आप क्या कहना चाहोगे जैसे कि आपने भी काफ़ी बेहतरीन स्टंट किए हैं और लोग काफ़ी पसंद करे शायद कोई लोग इतना क्या कहना चाहोगे मतलब यार मैंने मतलब बैक टू पानी वाला मेरा मेरा ना मेरा था कि कार वाला भी आप लोगों ने कुछ नया स्टंट किया फर्स्ट टाइम खतरों के खिलाड़ी में हो रहा है और आपने ही किया है वो मुझे मुझे पर्सनली बताओ आपको कि कोई भी रियलिटी शो वो जीतना हारना सबको ही जीतने के लिए जाते हैं स्टंट भी जीतने के लिए शो भी जीतने के लिए बट होता है वो जर्नी तो मैंने वो जर्नी पहले दिन से जब तक खतरों के खिलाड़ी में था मतलब लास्ट फिनाले तक या जहाँ पे भी अभी मैं बता नहीं सकते हम लोग तो वो मैंने पूरा पैसा वसूल किया है पूरे मस्ती की है वहाँ पे जहाँ पे स्टंट हारो या जीतो हम मज़े ही करते थे तो मैंने वो कार वाला वो और मुझे नहीं लगता कि वैसा एक्सपीरियंस हम अपने रियल लाइफ में ले सकते हैं वो वैसी अजब कार थी देखा ना वो गोलमाल अपने रोस्टर वाली तो अजब कार थी और वो सब खतरों के खिलाड़ी में एक्सपीरियंस कर सकते थे और मैं हमने बहुत मस्ती की मैंने मतलब हमें बहुत वो अभी जब जब वो क्लिप्स देखता हूँ मैं पूरा शो नहीं देख पा रहा हूँ तो छोटी छोटी क्लिप्स है ना वो हमें बहुत याद आती है वो बॉयज़ वाला एक ग्रुप था हमारा हम सब मिलके इसका कुछ मस्ती है इसका लायन के वक्त की मस्ती है तो हमने पूरा वो शो एंजॉय किया
एक एक पल, एक एक एपिसोड, एक एक दिन, या फिर जैसे हम अभी डेजी ने बताया कि हम जब ट्रैवल करते थे मॉर्निंग, तो हमें एक रहता था कि जो लोकेशन है थोड़ा दूर रहे, डेढ़ घंटा दूर रहे, तो हम मस्ती कर पाए. मैम, हाउ वाज एक्सपीरियंस विद योर फ्रेंड्स? कितने फ्रेंड्स बनाए आपने? इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एज एन आउटसाइडर बीइंग एबल टू डू खतरों के खिलाड़ी इन सच अ शॉर्ट टाइम. आई फील दैट इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड एंड आल्सो इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम whoever like fans are following me, because fans ke bina kuch nahi kar sakte, especially like reality shows. Aur itna support maine mila Khatron Ke Khiladi se, inside and outside, from the fans and also like from the contestants that have been part. Aisa kuch specific drama kabhi nahi hua tha Khatron Ke Khiladi. It was more of fun. We were more like you know, creating memories rather than just like trying to switch someone's lights, to just like lighten up ourselves. So it was an amazing experience. Or maine kabhi nahi socha tha ki ek saal mein main Rohit Shetty mil sakti ho aur uske saath show kar sakti ho. To bahut maza aaya. Aur bas. हो गया फॉल.